अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की ओर. डियर स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 3A. क्वेश्चन नंबर 3A में क्या लिखा हुआ है? ये इंडेक्स 41 का है. आपकी स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है. सेम टू सेम क्वेश्चन. सिर्फ उन्होंने क्या किया है, ये जितने भी फिगर यहां पे दिए हुए हैं सारे फिगर्स उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपके एग्जाम में 3 से. ओके, लेट अस सी. आपकी इंस्टीट्यूट की इमेजिनेशन भी कभी कभी कम पड़ जाती है कि क्या पूछें बच्चे से, तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं. तो पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. एबीसी लिमिटेड इज इनटू अ डेयरी फार्म. काउज आर मिल्कड ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, जैसे हमारे पॉलिटिशियन हमारे जनता को डेली बेसिस पे मिल्किंग करते हैं, उसी तरह ये फार्म भी अपने काउस को डेली बेसिस पे मिल्क करते हैं. आफ्टर मिल्किंग द मिल्क इज इमीडिएटली केप्ट इन अ कोल्ड स्टोरेज. द मिल्क इज सोल्ड टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑन अ वीकली बेसिस. तो बहुत ईजी, मिल्क की कथा समझ में आ गई. अब जरा नंबर क्रंचिंग करते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2022 एबी सेड 500 काउस विच वर 3 ईयर ओल्ड. तो ओपनिंग डे के दिन इनकी जो एज है वो 3 ईयर्स है और 500 काउस हैं आपके पास में. ड्यूरिंग द करेंट ईयर 2022-23 सम ऑफ द काउस बिकेम सिक. ओ माय गॉड, कुछ गाय बीमार हो गई. सम काउस बिकेम सिक ऑन 30 सितंबर 2022. बिल्कुल साल के बीच में, बिल्कुल साल के बीचों बीच सम काउस बिकेम सिक. 20 काउस डाइड. ओ माय गॉड, 20 काउस डाइड. तो ये जो काउस जिनकी डेथ हो गई है उनको अब हम अपनी बुक से निकाल देंगे. ऑन 1 अक्टूबर अगले दिन एबीसी परचेस 20 रिप्लेसमेंट काउस. उन्होंने और काउस परचेस की फ्रॉम द मार्केट एट ₹63,000 ईच. दिस 20 काउस वर ऑल 1 ईयर ओल्ड. तो 1 अक्टूबर के दिन इनकी एज कितनी है, 1 ईयर, यानी ईयर एंड पे हो जाएगा 1.5 ईयर. और जिन जो काउ आपके पास स्टार्ट में 3 साल की थी वो ईयर एंड में उसकी एज हो जाएगी 4 ईयर्स. ऑन 31 मार्च 2023 ए बी सीड 1,000 लीटर्स ऑफ मिल्क इन कोल्ड स्टोरेज. तो आपको ये इन्वेंट्री है, एज एन इन्वेंट्री इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, 1,000 लीटर इंटू वट एवर एन आर वी विच हैड नॉट बीन सोल्ड ऑन टू द रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर. मार्केट प्राइस ऑफ द मिल्क इज ₹60 पर लीटर. काफ़ी महंगा है, कोई बात नहीं. ₹60 पर लीटर वाइल सेलिंग द मिल्क टू डिस्ट्रीब्यूटर ए बी सी इनका 3 रुपीज़. तो 3 रुपीज़ आपका कॉस्ट टू सेल हो गया. तो 957 इज योर एन आर वी और आपके पास 1,000 लीटर है तो ये मिल्क की वैल्यू हो गई. क्वेश्चन पूछ रहे कि मजाक कर रहे हैं फाइनल के बच्चों से. दिस अमाउंट डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग मार्च 2023 एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज ड्यूरिंग अप्रैल. अब उन्होंने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट टू सेल इज गिवन बिलो. फेयर वैल्यू ऑफ अ डेयरी काउ एजेड और यहाँ पे कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है 1 ईयर 1.5 ईयर 3 ईयर 4 ईयर. 1 अप्रैल को मेरे पास 3 ईयर ओल्ड काउ है सिर्फ, तो मैं ये फिगर यूज़ करूँगा माइनस कॉस्ट टू सेल 3,000, क्योंकि हम बायोलॉजिकल एसेट को FVL CTS पे वैल्यू करते हैं कॉस्ट टू सेल पे. तो 81 माइनस 3. उसके बाद 1 अक्टूबर को आपके पास आपने परचेस किया 1 ईयर ओल्ड काउ को परचेस किया है तो 63,000 में परचेस किया आपने, 63,000 में. ठीक है, और उसमें से 3,000 लेस हो जाएगा. ईयर एंड में आपके पास 3 ईयर ओल्ड काउ भी है, उसको ये कॉस्ट माइनस करेंगे, और 1.5 ईयर ओल्ड काउ भी है उससे भी 3,300 माइनस करेंगे. तो एक बार आपको नंबर समझ में आ गया तो उसके बाद आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं.
नाउ लिखा है यू कैन अज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ द 3.5 ईयर ओल्ड काउ ऑन 30 सितंबर 22 इज 81,000। जो 20 काउ की डेथ हो गई है उसके लिए आपको 81,000 लेना है माइनस 3,000 रुपीज उसकी कॉस्ट टू डिस्पोज लेस करना है। प्रोवाइड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द काउस फॉर द अबव इवेंट एंड ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी। ऑन 30th सितंबर को एंट्री करनी है जब 20 काउ की डेथ हुई, 1 अक्टूबर 22 को एंट्री करनी है जब आपने 20 काउस परचेज की, और 31st मार्च को एंट्री करनी है जब आपने काउ को आप फिर से फेयर वैल्यू करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिल्क ऑन 31st मार्च 23। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले क्या करना चाहिए हमको, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले हमें एक वर्किंग नोट बना लेना है जो कि बहुत ही काम आएगा एंट्री करते समय। इज इट राइट? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ऑन वेरियस डेट्स। एक है 1 अप्रैल 2001, उस दिन हमारे पास 500 काउस थे जिनकी एज 3 इयर्स थी और उनकी फेयर वैल्यू उस दिन 81,000 है। आप क्वेश्चन सामने रखेंगे तो यहाँ पर ये 81,000 मैंने आपको सर्कल भी करके बताया था, दिख रहा है आपको 81,000, ये 81,000 वहाँ से लेना है, 3,000 रुपये कॉस्ट टू सेल है तो नेट आया 78,000। 81 माइनस 3 78,000 इंटू 500 काउस, उसकी फेयर वैल्यू उस दिन है 3,90,00,000। 30 सितंबर को आप देखेंगे हमने माइनस 20 लिखा है, उस दिन 20 काउस की डेथ हो गई, उस दिन उसकी एज 3.5 थी। क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ, यहाँ पर आप लास्ट के 3 लाइन में देखेंगे 81,000 रुपीज़ उसकी फेयर वैल्यू है, 3,000 रुपये उसका कॉस्ट टू सेल है, तो ये भी 78 हो गया। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 78 करेंगे तो 15,60,000 आ गया। उसके बाद आपने 1 अक्टूबर को एक 1 ईयर ओल्ड काउ बाय किया है 63,000 में, कॉस्ट टू सेल 3 है तो नेट 60 आ गया, 20 इंटू 60 करेंगे 12,00,000। यानी आपके पास जो काउज हैं उनकी वैल्यू बुक्स में 3,86,40,000 है। अब ईयर एंड पे चलते हैं, ईयर एंड पे मेरे पास दो टाइप की काउज हैं, एक 4 ईयर ओल्ड काउ जिनकी संख्या है 480। ये 480 कहाँ से आया, 500 में से 20 की डेथ हो गई है तो 480 बचे हैं 4 साल वाले, और 20 जो हमने यहाँ 1 अक्टूबर को परचेज किया था 20, उसकी एज यहाँ पर 1 साल है, उसकी एज 1.5 साल के बाद बढ़कर हो गई है 1.5 ईयर, 1.5 साल हो गया अभी। अब आपकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में टेबल में दिया हुआ, 4 साल की फेयर वैल्यू 79,500 है 31 मार्च को, और 1.5 ईयर वाले की 70,500 है, और इस बार आपका कॉस्ट टू सेल आप देखेंगे चेंज हो गया है, 3,300 है, माइनस करना 76,200 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 480 इंटू 76,200 करना तो 76,000 आ रहा है, और 20 इंटू 67,200 करना 13,44,000। तो ईयर एंड पे हमारे पास जो बायोलॉजिकल एसेट है उसकी ये फेयर वैल्यू है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और इससे एक फेयर वैल्यू चेंज का हमको अंदाज़ा मिलेगा, उसकी भी एक एंट्री करी जाएगी। तो हम जर्नल एंट्री, उन्होंने पूछा 30 सितंबर को क्या पास करेंगे, 30 सितंबर को 20 काउस की डेथ हो गई, हमें नुकसान हो गया है, उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में हम रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री होगी लॉस अकाउंट डेबिट 15,60,000। कैलकुलेशन यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा,
ऊपर की वर्किंग नोट का यही फायदा है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी टू बायोलॉजिकल एसेट, और ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। रेफर स्टेप वन, 1 अक्टूबर को आपने 20 काउज बाई किया है, 12 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, ऊपर आप देखिए 12 लाख रुपीज़ दिख रहा होगा आपको, टू बैंक अकाउंट 12 लाख। तो आपने 20 न्यू कार परचेज रिकॉर्डेड एट FVL CTS पे, और उसके बाद हमने लॉस मेजर किया है, लॉस ऑन मेजरमेंट ऑफ ओल्ड काउस, जो 4 साल वाली काउस थे उसकी ओपनिंग वैल्यू है इतने, काउस की डेथ हो गई तो ये हो गया बुक वैल्यू, और ये उसका क्लोजिंग वैल्यू है, ऊपर की वर्किंग नोट में दिखेगा। इनको कंपेयर करेंगे तो जो 4 ईयर ओल्ड काउ है उसमें आपकी वैल्यू 8,64,000 हो गई है, घट गई है, और जो आपने बाद में 20 काउस परचेज किया उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है, उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है, तो वहाँ पर आपको गेन हुआ है। तो बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन मेजरमेंट ऑफ न्यू काउस। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेंट्री ऑफ मिल्क किस भाव पे अपियर होगा बैलेंस शीट में, 57,000 पे, 1,000 लीटर इंटू NRV 60 माइनस 3, 57 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का था, इंड एस 41 का। सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट छोटे छोटे चैप्टर इग्नोर कर देते हैं और फिर एग्ज़ाम में उनको दिक्कत होती है। इनफैक्ट ये जो छोटे छोटे जो इतने सारे चैप्टर हैं ये आपको पास होने में बहुत हेल्प करेंगे, इसमें समय भी कम लगता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है और आप पूरे मार्क्स पा सकते हैं।